हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सफीना ब्लॉग। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि चलिए आज किचन गार्डन से हम लोगों को क्या क्या सब्जी और साग वो सब निकलता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये लाल भाजी है, कितना सारा हो गया है पूरा। चलिए अभी इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके नीचे सारे छोटे छोटे हैं, अभी ये बड़े होंगे फिर जाके इसको हार्वेस्टिंग करेगी मम्मी। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं, सिर्फ गोबर खाद है। देखिए इसके नीचे अभी जो छोटे छोटे सब रह गए हैं, ये जब बड़े होंगे तो भी इसको हार्वेस्टिंग करेगी मम्मी। और इसमें ना कोई केमिकल प्रोडक्ट्स मम्मी मिलाई है, सिर्फ ऑर्गेनिक ही है। बस इसमें कुछ गोबर का खाद मम्मी मिलाई है, वरना कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए, ये सबको चौलाई भाजी बोलते हैं, इसको भी मम्मी हार्वेस्टिंग करेगी अभी। काटेंगे तो फिर से नीचे से इसका होगा, इसको काटना पड़ता है इस तरह का। इसको जड़ से नहीं उठाना है? नहीं, जड़ से नहीं। सब ऑर्गेनिक है, मेरा कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलाया, कोई ना तो वर्मी कंपोस्ट है, सिर्फ गोबर खाद मिलाते हैं। देखिए कितना अच्छा से हुआ है। और ये रहा बैगन का पौधा, और इसमें भी दो चार बैगन फले हुए हैं, इसको भी मम्मी हार्वेस्टिंग कर देगी। ये अब छोटे छोटे हैं, थोड़ा गर्मी की वजह से बढ़ नहीं पाया। गाछ पुराना है ना, इसका पुराना पौधा है मेरा, इसलिए बढ़ नहीं पाया। ये भी पौधा को हटा देना है, अभी पौधा को हटा देंगे, नया पौधा लगाएंगे। उसके लिए हमने बीज जर्मिनेट किया हुआ है। और ये देखिए अभी पोए का प्लांट, अभी ये एक बार भी तोड़े है कि नहीं, इसको एक बार भी तोड़ा नहीं गया है। ये अब सारे नए पत्ते हैं। और एक देखिए, ये मलबेरी का प्लांट है, इसके छोटे छोटे आए मलबेरी, इधर है उस तरफ एक है। ये इतना ही है, अब होते रहता है, हम लोग तोड़ के खाते रहते हैं। ये देखिए मेरा लौकी का पौधा है, ये इतने बड़ा हो गए हैं। अब इसको हमने 2G कटिंग कर दिए थे, तो इसमें आप देखिए ब्रांचेस आने लगे हैं। और इसमें कटिंग देखिए करने के बाद में तीन तरह से ब्रांचेस आए हुए हैं। ये एक है, ये इधर का एक है, इस तरफ भी एक है, ये भी एक निकला हुआ है, सब में फल आ गए हैं। अब इसमें हम देते हैं गोबर के खाद। ये देखिए हमने गोबर के खाद दिए थे। ये है बरबट्टी का भी पौधा लगाए हैं हम इसमें, इसमें भी बरबट्टी का पौधा देखिए कितना लंबा आ रहा है। ये देखिए ये बेलों वाला जितना पत्ते हैं, पौधे हैं, ये सब बेलों वाला पत्ते के लिए हमने रस्सी बांध रखे हैं, तब जा करके हमारे पौधे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए सब तरफ बेलुआ का है, बरबट्टी का है, और आपका कद्दू का है। देखिए मेरा टमाटर का पौधा, इसको हम इसी तरह से रस्सी में बांध दिए हैं, लकड़ी दे दिए हैं इसको चारों तरफ से, रस्सी बांध दिए हैं। अगर रस्सी नहीं बांधेंगे तो यह पौधा झूल जाएगा, झूलने से इसका जो नीचे का जो रूट है रूट खराब हो जाएगा। तो उसमें रूट फिलिंग भी कर दिया हमने, और लकड़ी भी ऐसी गाड़ दिया, और उसके साथ में रस्सी भी बांध दिए हैं, तो ये पौधा खड़ा होकर के है। और इसी तरह से खड़ा होकर रहेगा तो इसका ग्रोथ और भी आगे बढ़ेगा। इसका तरीका यही है, टमाटर का पौधा का यही करना चाहिए, इसी करेंगे तब जा कर के टमाटर का पौधा हमारे ऊपर ऊपर आएगा। और अगर नहीं बांधेंगे, लकड़ी देंगे नहीं, रस्सी नहीं बांधेंगे, तो ये फैल जाएगा नीचे। नीचे फैल जाने से क्या होगा कि इसका रूट भी खराब होगा, इसका ब्रांचेस भी खराब हो जाएंगे। ये एक टमाटर का है, और ये भी एक टमाटर का है, इसको भी हमने इसे बांध के रखा है। ये भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसमें भी टमाटर आ रहे हैं, देखिए लंबे लंबे टमाटर हैं। ये है मेरा 12x12 का ग्रो बैग है, ये हमने ऑनलाइन से मंगाए थे, और इस पर हमने धनिया बो दिए हैं। अब धनिया छोटे छोटे आ रहे हैं, ये इसमें भी बो दिया हुआ है। ये भी मेरा 12x12 का ग्रो बैग है, दोनों में धनिया लगा दिए हुए हैं, और भी एक तरफ धनिया लगाए थे उसको हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, अब फिर इसको लगाए हैं। ये मेरा बैंगन का देखिए बीज लगा हम बोए थे, तो अभी जर्मिनेट हो गया है ये सब सब। अभी जब बड़ा बड़ा हो जाएगा, 2-3 इंच का जब हो जाएगा, तो इसको हम निकाल के अलग अलग लगाएंगे इसको।
दूसरे ग्रो बैग में इसको हमने लगाएंगे। अब इसी को रहने देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद। और ये भी एक बैंगन का पौधा है और इसमें भी कीड़े लग गए हैं, पीछे तरफ देख सकते हैं, ये वाला चिपचिपा वाला जो कीड़ा होता है इसको। अब इसमें हमने नीम का पत्ता को पीसेंगे, पीस करके इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये कीड़े सारे मर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही पूरा पत्ता मेरा मुड़ गया है, देखिए सारे पत्तों में लगा हुआ है। इसको हटाने के लिए हमने नीम की पत्तियों को पीसेंगे, पीस करके उसको लिक्विड बनाएंगे, उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये सही हो जाएगा। और इस पर भी एक बैंगन आया हुआ है, इतना बड़ा बैंगन का पौधा है। अगर पौधा ख़राब हो जाता है तो मन बहुत तकलीफ होता है, मन में बहुत सारे तकलीफ आने लगते हैं। खुद के हाथों से सब्जी जब लगाएंगे छत के ऊपर में, तो जब उसका हार्वेस्टिंग करेंगे तो कितना खुशी मिलता है, बहुत सारी खुशी मिलता है। खुद के हाथों से देखिए इतने सारे हमने हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। ये बैंगन है, ये लाल भाजी है और ये चौलाई भाजी है। अभी इसमें भी बैंगन है, इसको भी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। देखिए इतने सारे बैंगन आए हुए हैं। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा हार्वेस्टिंग वीडियो। होप करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी ही आएगा।